भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के उम्मीदवार एवं निवर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है तथा किसी के छोड़ने से पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। वे मंडी के विधायक अनिल शर्मा के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तथा सबसे अधिक सांसद, विधायक और मेयर देश में भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध उनसे है कि अगर कांग्रेस ने सर्वे करवाया था तो कब करवाया उनको बोले कृपया करके कोई कागजात दें। क्या उसी तरह से करवाया था जैसे स्पाइस पार्क बनवाया था, जैसे नदौन का केंद्रीय विद्यालय के लिए काम किया था? 26 साल नदौन के केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं दी गई, हमने जमीन भी दिलाई 13.5 करोड़ रुपये दे के, शिलान्यास भी किया, और यही नहीं स्टेडियम भी नदौन में बनाया। इनकी सरकार ने उस पर ताले लगवाए। कांग्रेस को तो एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस की जैसे जैसे परतें खुलती हैं कांग्रेसियों के पसीने और छूटने शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस की तरह झूठ नहीं बोलते हैं और कांग्रेस का पूरा प्रचार झूठ पर आधारित होता है। जनता इतनी समझदार है, 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी चुनाव आते ही चूना लगाना शुरू करती थी कि सड़क का सर्वे लगा होने और चुनाव निपटने के बाद 5 साल फिर नजर नहीं आती थी, अगले 5 साल में फिर कच्ची सोलिंग करवाने का काम करती थी, हमने 51 किलोमीटर की रेलवे लाइन जिसके बारे में आज तक किसी राजनीतिक दल ने ना मांग उठाई, हमने उसका सर्वेक्षण भी करवाया, बजट में पैसा भी डलवाया और 6,000 करोड़ रुपए की ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन मंजूर करवाई। ऊना से लेकर अम्बिंदौरा, चिंतपूर्णी, दौलतपुर चौक, ये सारी रेलवे लाइन पूरी कर दी, स्टेशन बना दिए, नई ट्रेनें चला दी और अब भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन का भी निर्माण कार्य शुरू करवा दिया और बिलासपुर तक के लिए 22 किलोमीटर की जमीन का अधिग्रहण कर लिया। अगर 5 साल कांग्रेस ने काम किया होता और रुकवाने का काम नहीं किया होता तो कब की शुरू हो गई होती? जवाब कांग्रेस को देना है। आखिरकार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रोजेक्ट रोकने का काम कांग्रेस ने क्यों किया? ना किसी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता स्तर का व्यक्ति ही आज देश का प्रधानमंत्री है जो सीधा कार्यकर्ता और जनता से संवाद करता है, इसलिए देश का रिकॉर्ड तोड़ विकास करता है। व्यक्ति विशेष नहीं, संस्था और संगठन महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना सशक्त है कि आज सबसे सशक्त नेता भी है, देश में सबसे ज़्यादा सांसद भी हैं, सबसे ज़्यादा सरकारें भी हैं, सबसे ज़्यादा विधायक, पार्षद, मेयर भारतीय जनता पार्टी के पास है और फिर एक बार सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर भारत में सरकार बनाएंगे। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।